आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैसे गूगल क्रोम की थीम को हम चेंज कर सकते हैं और नई थीम को अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको राइट साइड में देख रहा होगा, यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप थ्री डॉट पे क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। देन अब हम सबसे पहले अपने गूगल क्रोम को अपडेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको हेल्प के ऑप्शन पर जाना है, देन अबाउट गूगल क्रोम पर क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही आपका गूगल क्रोम अपडेट हो जाएगा। यदि गूगल क्रोम अपडेट नहीं है तो उसको होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। सो हम यहाँ पर अपडेट हो रहा है गूगल क्रोम। एंड यहाँ पर हमारा गूगल क्रोम ऑलमोस्ट अपडेट हो चुका है। इसके अपडेट होने के बाद आपको अपने गूगल क्रोम को रिलॉन्च कर लेना है। यहाँ से मैं यहाँ से अपने गूगल क्रोम को वापस रिलॉन्च करता हूँ। एंड कुछ इस टाइप से ये रिलॉन्च हो चुका है एंड यहाँ पर शो हो रहा है योर क्रोम इज अप टू डेट। देन आपको यहाँ पर अपीयरेंस पर क्लिक करना है। अपीयरेंस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। देन आपको यहाँ पर थीम पर क्लिक करना है। थीम पर क्लिक करने के बाद आप एक नए वेब पेज पर चले जाएंगे। यहाँ से आप किसी भी थीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी थीम है, जो भी आपको यहाँ से अच्छी थीम लगती है उस थीम को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ से इस थीम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद आपको एड टू क्रोम पर क्लिक करना है। देन यहाँ से ये चेकिंग हो रहा है एंड यहाँ पर हमारा ये डाउनलोड हो चुका है कंप्लीट। एंड हमारे यहाँ पर जो थीम थी वो वहाँ पर अपडेट हो चुकी है, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये थीम आ चुकी है। तो इस प्रकार आप अपने गूगल क्रोम पर थीम अपडेट कर सकते हैं। यदि आपको इस थीम को रिमूव करना है, देन वापस से आपको थ्री डॉट पर जाना है। देन आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको अपीयरेंस पर आना है एंड रीसेट टू डिफ़ॉल्ट पर करने के साथ ही आपके पास जो थीम थी वो चली जाएगी और आपका गूगल क्रोम पहले के जैसा हो जाएगा। अब मैं आपको मेरे हिसाब से टॉप 15 थीम्स बता देता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये है पहली थीम, ये दूसरी थीम है, ये तीसरी, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, टेन, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये थी हमारी टॉप 15 थीम्स। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए।